हाय एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी यूजीसी नेट। वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। आई होप कि हम लाइव आ चुके हैं और मेरी आवाज आप सभी तक क्लियर आ रही है। ओके गाइस, तो मेरा नाम है कृतिका पारेख, मैं हूँ अन अकेडमी पे आपकी एजुकेटर ज्योग्राफी की, और मेरी यहाँ पे रेगुलर क्लास होती है 1 बजे। आप में से जो भी साथी हमारे साथ में आज पहली बार आए हैं तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलने लग जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, विदाउट एनी डिले आज की क्लास में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं हमारी 500 MCQ सीरीज के। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरी स्पेशल क्लास इसके जस्ट बाद में होती है 2 बजे, मतलब 1 बजे से लेके 2 बजे तक मैं देती हूँ यूट्यूब पे, और 2 से लेके 3 बजे तक मेरी होती है स्पेशल क्लास। ठीक है, स्पेशल क्लास होती है, और स्पेशल क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल होती है। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं वो रेफरल कोड UGC10 अप्लाई करके अपने मेरे साथ में इंस्टेंट आप ज्वाइन कर सकते हैं अन अकेडमी को, जहां पर आपको मेरी क्विज, स्पेशल और प्लस क्लासेस अवेलेबल होती है। तो जल्दी कीजिए सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, क्योंकि आपका रिजल्ट आ चुका है, जून की तैयारी हम जोरों शोरों से स्टार्ट कराने वाले हैं। और हाँ, अगर आप अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं गाइस तो अभी एक अच्छा चांस है। पता है कि आपका रिजल्ट आ गया है, तो रिजल्ट आने के बाद में आप सब्सक्रिप्शन लेने की बारी है। तो 12 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ में 12 मंथ का अगर आपका सब्सक्रिप्शन है तो इसके लिए आपको दिया जा रहा है 2 मंथ का एब्सोल्युटली फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान। 2 मंथ का एब्सोल्युटली फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान आपको दिया जा रहा है, जिसमें आपको मिलने वाला है 12 महीने की जगह पूरे 14 महीने का सब्सक्रिप्शन सेम रेट पे। इवन आपको कोड अगर UGC10 आप लगाओगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये जो ऑफर है दोस्तों वो कल आया था, आज 22 तारीख हो चुकी है, और ये ऑफर 23 तारीख तक वैलिड है। तो 23 तारीख के पहले आपको इस ऑफर को कैश करना है ताकि आपको कभी भी कोई दिक्कत ना आए। अब मैं बता दूं कि ये जो ऑफर वैलिड है ये प्लस पे वैलिड है। अन अकेडमी के पास में 2 तरह के सब्सक्रिप्शन प्लान है, एक प्लस और एक आइकॉनिक। अगर आप चाहते हैं प्लस लेना तो प्लस में नॉर्मल 4 फीचर्स हैं, जैसे कि जो भी क्लासेस अन अकेडमी की होती है वो लाइव होती है। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दिया और आप अपने डाउट्स ही ना पूछ पाए। हर क्लास लाइव होती है, हर क्लास के बाद में टेस्ट होता है, और आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस दी जाती है। लाइक अगर आप पूरा दिन भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई कमी नहीं है। और इसी के साथ में लेकिन अगर आप आइकॉनिक के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की जो फीस है वो है थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन उसमें आपको कंपैरेटिवली 6 फीचर एडवांस में मिलते हैं, जिसमें पर्सनल कोच से लेकर के आपको स्टडी मटेरियल तक दिया जाता है। तो इसमें आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो जल्दी अपना सब्सक्रिप्शन आप लोग परचेज करें। फीस की मैं आपको बता दूं, UGC10 तो आपका रहने वाला है रेफरल कोड। मतलब रेफरल कोड क्या होता है, चलो उसकी भी थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। मान लीजिए कि आप अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन जब लेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी। अगर आपने मान लीजिए कि आपने प्लस चूज किया है तो प्लस की 24 महीने की जो फीस है वो 20,000 है। EMI पे अगर लोगे तो वो 833 समथिंग की आएगी। 12 महीने की प्लस की फीस है 14,500, EMI लेगी आपके 12,008। लेकिन आपको इतना प्लान में करना नहीं है। आपका जो बात है वो आपके पास में एक रेफरल कोड है UGC10, इसको लगाओगे तो आपको इन सभी पे 10% का ऑफ मिल जाएगा। सेम आइकॉनिक है, 28,000 फीस है, कोड आपको UGC10 लगा देना है, फीस आपकी इंस्टेंट कम हो जाएगी। तो अगर इंटरेस्टेड हो सब्सक्रिप्शन प्लान लेने में तो जल्दी करो, क्योंकि हम हमारे नए बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। अगर जुड़ना चाहते हो इजीली सब्सक्रिप्शन लेकर के जुड़ सकते हो। ये आपका लास्ट प्लान है। और हाँ, आज रात को 9 बजे मेरी पेपर 1 की भी स्पेशल क्लास है। तो 9 बजे पेपर 1 होता है और 2 बजे हमारी स्पेशल क्लास होती है पेपर 2 की। अब चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The soil formed by wind dust in and around a hot desert is called. बताओ। गर्म रेगिस्तान में और उसके आसपास हवा की धूल से बनने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? सिल्टी, लोमी, सैंडी एंड लॉयस। ओके तो काफी लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, बट सॉरी टू से द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। डी मतलब लॉयस सॉइल इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब लॉयस सॉइल करेक्ट आंसर क्यों होगा? एक चीज आप सभी जानते हैं कि जो डेजर्ट एरिया होता है, डेजर्ट एरिया में लैंडफॉर्म्स बनती हैं, ठीक है। बनने वाली जो लैंडफॉर्म्स होती हैं उनको हम बोलते हैं एओलियन लैंडफॉर्म, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वायु से निर्मित स्थलाकृतियां। ये दो तरह की होती है, एक होती है इरोजनल, एक होती है डिपोजिशनल। इरोजनल एंड डिपोजिशनल। इरोजनल के अंदर तो कटाव से बनने वाली जो लैंडफॉर्म्स होती हैं वो आती है, और डिपोजिशनल में जमाव से बनने वाली आती है। तो इस जमाव में एक लैंडफॉर्म आती है जिसको हम बोलते हैं लॉयस प्लेन। लॉयस प्लेन के बारे में आपने सुना होगा, लॉयस प्लेन क्या होते हैं? लॉयस प्लेन दोस्तों एक तरह से आपके रेगिस्तान के अंदर जब मिट्टी उड़ के आ रही होती है, तो जब हवा, रेगिस्तान में चलने वाली हवा अपने साथ में लाई जाने वाली मिट्टी को रेगिस्तान के बाहर जमा करना शुरू कर देती है, तो उससे एक मैदान बन जाता है जिसको लॉयस मैदान कहा जाता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है हांगू का मैदान, जो गोबी डेजर्ट के लॉयस प्लेन से बना है। तो डेजर्ट में जो स्पेशली डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में बन रही है वो लॉयस प्लेन होते हैं, और उसी से निर्मित होने वाली मिट्टी को हम लॉयस मिट्टी बोलते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल, लॉयस सॉइल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीर पंजाल रेंज इन द हिमालय इज अ पार्ट ऑफ शिवालिक ट्रांस सेंट्रल एंड मिडल। हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी हिस्सा है। नमस्कार, कैसे हैं सभी दोस्त? ओके, तो करेक्ट आंसर दिया जा रहा है। देखो डिफरेंस देख लेना, मैं पहले ही बोल रही हूँ। हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी हिस्सा है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉल्ड मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय बोल दीजिए या मध्य हिमालय बोल दीजिए। शिवालिक के अंदर अगर बात करें तो यहां देखेंगे ये देखिए, ऐसा कुछ अपना इंडिया है। इंडिया के अंदर जो सबसे पुरानी चेन है ट्रांस हिमालय की, अगर अपन बात करें तो ट्रांस हिमालय तो आपके यहीं रह गया। ये देखिए, ये जो लाइंस जा रही हैं ये चारों एग्जाम्पल है ट्रांस हिमालय का। इसके बाद में यहां से सबसे पहले ये गया ग्रेटर, इसको देखो महान भी बोला जाता है, इसको वृहद भी बोला जाता है, और ग्रेटर तो अपन बोल ही रहे हैं। दूसरा ये गया आपका मिडिल, इसे मिडिल भी कहा जाता है और इसे आप लेसर भी बोलते हैं। एंड देन सबसे लास्ट में आता है, सबसे नीचे, वो आपका कहलाता है शिवालिक। तो अब याद रखिएगा, जो मिडिल हिमालय होता है, जो मिडिल हिमालय होता है, मिडिल हिमालय के अंदर हम उसको हर जगह पे अलग अलग नाम से उसे जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में इसे बोला जाता है पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर में स्पेशली, और जम्मू कश्मीर, हिमाचल में धौलाधार, नेपाल में महाभारत, उत्तराखंड में नाग टिब्बा, अरुणाचल प्रदेश में डफला बूम, तो मिडिल हिमालय को जम्मू एंड कश्मीर में। पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है और ये उसी का एक नाम था। वेरी गुड, मैंने मेरे कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नेट हुआ है और जिनका नहीं हुआ है उनको इतना उदास होने की जरूरत नहीं है, वापस हो जाएगा। अभी जून में फिर से एग्जाम हो रहा है। एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन अमन। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद थ्री नेशन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य तीन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। Very good. So the correct answer is option number C, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे ऐसा देश है जो तीन बाउंड्री लाइन शेयर करता है। ये देखिए, देखिए इंडियन ज्योग्राफी को अगर अपन पढ़ना चाहते हैं तो मैप से पीछे नहीं भाग सकते, मैप तो बनाना ही पड़ेगा। अब देखिए, कुछ ऐसा इंडिया का मैप होता है, कुछ कुछ ऐसा मैप है। अब हमने यहाँ पे बोला गया था कि कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं या जो ऐसे कौन से राज्य हैं। तो देखिए, यहाँ आता है हिमाचल प्रदेश, यहाँ आता है उत्तराखंड, यहाँ आता है अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे बीच में आता है असम। इसको हम थोड़ा सा एक बार क्लियर करेंगे। जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये रहा आपका मैप, अरुणाचल प्रदेश, ये आ गया आपका नागालैंड, इधर मणिपुर, देन मिजोरम, इधर त्रिपुरा, इधर आपका मेघालय, ठीक है, इधर उत्तराखंड। अब एक बार थोड़ा सा जूम चलेंगे तो यहाँ पे ये जो जगह है, यहाँ आता है भूटान, यहाँ है नेपाल, यहाँ है चीन और यहाँ है म्यांमार, यहाँ है बांग्लादेश, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे ये है कि कौन कौन से हैं। तो अगर अपन हिमाचल की बात करें तो हिमाचल का तो कुछ खास नहीं है। उत्तराखंड का 2 से अड़ता है, एक आपके आ जाता है चाइना, एक आ जाता है नेपाल। तो उत्तराखंड के तो 2 आ गए हिस्से में। असम की अगर अपन बात करें तो असम के साथ में 2 स्टेट की बाउंड्री लाइन लगती है, एक भूटान की, एक बांग्लादेश की, ठीक है। अरुणाचल एक ऐसा है जिसके साथ में भूटान भी आ रहा है, जिसके साथ में चाइना भी आ रहा है और जिसके साथ में म्यांमार भी आ रहा है। तो ऐसे करके अपना राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला सवाल, चलिए मुझे तब बनाने की जरूरत भी नहीं थी। भूटान, चाइना और म्यांमार, ये देखिए, ये हो गया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला सवाल, वेयर इज अघिल पास लोकेटेड। अघिल दर्रा कहाँ है? नेपाल हिमालय, सिक्किम हिमालय, पूर्वी हिमालय एंड ट्रांस हिमालय। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ट्रांस हिमालय। अघिल पास जो है वो आपको ट्रांस हिमालय में देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये आपके सामने पूरी बॉर्डर लाइन है, यहाँ आ गया श्रीनगर, यहाँ पे है लद्दाख, तो बिल्कुल बॉर्डर पे ये देखिए, ये जो आपको लोकेशन दिख रही है यहाँ पे आता है अघिल पास। अघिल पास इज अ पार्ट ऑफ काराकोरम रेंज। यहाँ पे आपके काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज का हिस्सा है अघिल पास। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए बिल्कुल डिटेल में ये रही आपकी बाउंड्री लाइन और बिल्कुल कोने पर है। पासेस और कुछ भी नहीं होता है, बेसिकली माउंटेन्स के बीच का एक रास्ता होता है जहां से रिवर होकर के आती है। अगला सवाल, डंकन पास इज लोकेटेड बिटवीन, डंकन मार्ग के बीच स्थित है, साउथ एंड लिटिल अंडमान, लिटिल एंड ग्रेट निकोबार, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान एंड मिडिल एंड साउथ अंडमान। देखिए हमसे ये पूछा गया था कि डंकन पास कहाँ पे है, तो डंकन पास आप देख सकते हैं, ये आपके लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान, कहने का मतलब ये है कि ये आपके लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान, अंडमान आइलैंड में ही अभी हम चल रहे हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए यहाँ पे आ गया आपके सबसे पहले नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान के बाद में आएगा लिटिल अंडमान, इसके बीच में आपको देखने को मिलेगा डंकन पास। नेक्स्ट, द पैनन्स अपलेशियन एंड अरावलीज आर द एग्जाम्पल ऑफ, पैनन्स अपलेशियन और अरावली भारत में किसके उदाहरण है? ओल्ड माउंटेन, यंग माउंटेन, फोल्ड माउंटेन एंड ब्लॉक माउंटेन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए कि ये जो भी एग्जाम्पल्स हैं ये आपके अपलेशियन, अब क्योंकि यहाँ पे ये सबसे पुराने आ रहे हैं तो ये ओल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल है। वैसे ये आपके फोल्ड माउंटेन भी हो सकता है क्योंकि अरावली दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन भी है और एक फोल्ड माउंटेन भी है, बट क्योंकि इसको ओल्डेस्ट में पहले दिखाया जाता है तो हम आंसर ए करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, Which of the following state has the world largest freshwater island? निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का द्वीप है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, असम। Okay, the correct answer is option number D, that is Assam. असम में एक रिवर जाती है, ये आप देख सकते हैं कि ये है आपके सामने मैप असम का, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद में ये तो है अरुणाचल प्रदेश, ये आ गया आपके असम का एरिया। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर जाती है और ब्रह्मपुत्र में एक द्वीप है जिसका नाम है माजुली, जो कि एक सबसे बड़ा फ्रेश वाटर आइलैंड है, रिवर आइलैंड है। और इसमें यहाँ पे जो मतलब आप ये देख सकते हैं, जैसे ये देखिए, तो ये है आपका माजुली जो कि सबसे बड़ा एक नदी द्वीप है, सबसे बड़ा ब्रह्मपुत्र के ऊपर माजुली द्वीप। गुड। अवध ओझा जी पूछ रहे हैं मैम, एक रिक्वेस्ट है, क्या एमए फर्स्ट सेमेस्टर वाले यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? अगर वो पास हो जाते हैं तो क्या जेआरएफ वैलिड होगा? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेमेस्टर में अगर मान लीजिए कि आपने नेट एग्जाम दिया और अगर आप क्लियर हो गए तो मानिए कि फर्स्ट सेमेस्टर आपका जो नेट का है वो 2021 टू 23 तक की आपकी स्कीम है, ठीक है? इसमें 21 में 2 सेमेस्टर है और 23 में 2 सेमेस्टर है। और आपने 21 में मान लीजिए कि इस बार ही आपने पेपर दिया और आपका 19th को आपका जेआरएफ क्लियर हो गया, 19/2022 को आपका जेआरएफ क्लियर हो गया। तो जिस डेट को आपका जेआरएफ क्लियर हुआ है ना, उस डेट से लगभग 3 साल, 3 इयर्स बाद में, या जहां तक मुझे पता है 2 साल बाद में, मतलब 2024 तक आपके पास में जेआरएफ का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड माना जाएगा। लाइक आप 2024 तक कहीं पीएचडी में एडमिशन ले लें तो उसके बीच में आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगी तो वो कंप्लीटली वैलिड होगा। इट इज टोटली वैलिड फॉर 2 इयर्स, तो आप ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? सौदा बेटा, गुरु शिखर, कलसुबाई एंड महाराष्ट्र। अब इसके आगे के पेयर आपको देखना है और बताना है कि कौन सा मैच नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट धूपगढ़, उड़ीसा। धूपगढ़ आप देख सकते हैं, आप धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे अलग अलग माउंटेन रेंज आती है। ये चली गई आपके अरावली, अरावली से विंध्यन, और विंध्यन के बाद में यहाँ पे अलग अलग रेंज आती है सहयाद्री। तो देखिए यहाँ है अरावली, विंध्यन और सतपुड़ा, ठीक है? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, यहाँ पे देखिए। और ये कहाँ आ रही है? मेरे हिसाब से ये एमपी के अंदर आ रही है, ठीक है? एमपी के अंदर धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है और ये रही धूपगढ़। इसको बोला गया था उड़ीसा, तो ये भाई उड़ीसा के अंदर नहीं है, ये धूपगढ़ में है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा एंड के2। Which of the following is the highest mountain peak? कौन सी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज के2। के2 जो है वो सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है और ये आपके मिल है काराकोरम के अंदर। ये देखिए यहाँ पे ये रेंज आ गई काराकोरम, काराकोरम में यहाँ पे आती है के2। इसको गॉडविन आस्टिन भी बोलते हैं। राइट, कंचनजंगा की बात करें तो वो सिक्किम के अंदर आती है, नंदा देवी उत्तराखंड के अंदर आती है और नंगा पर्वत यहाँ पे आता है, इसकी हाइट सबसे ज्यादा है। करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है या करेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है? करेक्ट इज ऑप्शन नंबर डी। रार बिहार में नहीं है, ये वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल के अंदर ही आता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, which of the following is the correct sequence of hills of Meghalaya from east to west? कौन सा पूर्व से पश्चिम तक मेघालय की पहाड़ियों का सही क्रम है? अब बता दो जल्दी से कौन सा इसका सही क्रम होगा मेघालय की पहाड़ियों का। आंसर्स मेरे पास में आने लग गए हैं, मुझे आंसर चाहिए 11 नंबर के क्वेश्चन का, तो पहले तो क्वेश्चन नंबर लगा देना और फिर आंसर देना। यहाँ तो आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से अपने से क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि ईस्ट में बनाना है, ईस्ट में बताना था भाई। देखो अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये आता है आपका एक स्टेट जिसका नाम है मेघालय, ठीक है, सेवन सिस्टर्स में मेघालय। ये कौन सी दिशा हो गई? ये है ईस्ट, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया? वेस्ट। अब पूछा गया था क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग ईस्ट टू वेस्ट, तो हम जब इनको पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे तीन माउंटेन रेंज पढ़ते हैं। कौन कौन सी? एक आती है आपके गारो, एक पढ़ते हैं खासी, और एक आती है जयंतिया, ठीक है। अब वो वेस्ट से आती है ना, पहले नंबर पे गारो लिखते हैं, फिर खासी लिखते हैं, फिर जयंतिया लिखते हैं, बट वो ड्यूरेशन होता है वेस्ट टू ईस्ट। हमसे पूछा गया था ईस्ट टू वेस्ट, तो ईस्ट टू वेस्ट में जयंतिया पहले नंबर पे आ जाएगी, खासी तो बीच में थी, बीच में ही रहेगी, और गारो थर्ड नंबर पे आ जाएगी। तो जयंतिया, खासी, गारो, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, जो सबसे लास्ट में था वो अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर माना जाएगा, जयंतिया, खासी और गारो। सी इज द राइट आंसर गाइस। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। Which one among the following peak is the highest? धौलागिरी, नामचा बरवा, नंदा देवी एंड नंगा पर्वत। कौन सी चोटियों में सबसे ऊंची है? अधिक यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन जो सबसे ऊंची है उसके बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, धौलागिरी। धौलागिरी आपके मिडिल हिमालय का एक पार्ट है, सॉरी ग्रेटर हिमालय का एक पार्ट है। ये जो चारों आपको रेंज देखने को मिली है, ये चारों ही ग्रेटर हिमालय से जुड़ी हुई है, ठीक है, ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। और धौलागिरी की हाइट है 1161 मीटर। बाकी नामचा पर्वत, नंदा देवी, नंगा पर्वत ये सब 7000 की रोज में है। इस वजह से आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धौलागिरी माउंटेन रेंज इन नेपाल। आज के डेट में नेपाल में है। अगला, द चैनल सेपरेटिंग द अंडमान आइलैंड फ्रॉम द निकोबार आइलैंड इज नोन एज। अंडमान द्वीप जो निकोबार द्वीप से अलग करने वाले चैनल के रूप में जाना जाता है। कोको चैनल, 10 डिग्री चैनल, डंकन पास एंड सैम्ब्ररो channel. Very good. Correct is option number B, that 10 डिग्री चैनल। मतलब ऑब्वियसली 10 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन अंडमान और निकोबार को डिवाइड करती है। नेक्स्ट है द कारेवास ऑफ कश्मीर रेफर टू विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। कश्मीर के जो कारेवास होते हैं, कारेवास इज अ काइंड ऑफ सॉइल विच इज वेरी गुड फॉर सैफ्रॉन कल्टीवेशन। जो हम बोलते हैं ना कश्मीर का केसर फेमस है, तो वो कारेवास की वजह से फेमस होता है। अब यहाँ पे पूछा गया था कि वो किनसे मिलके बनता है कारेवास, कौन से डिपॉजिट्स आते हैं। एओलियन मतलब हवा के डिपॉजिट्स हैं, वायु के हैं, हिमनद के हैं, पानी के हैं, या लैक्स्ट्रोराइन है, या फिर वॉल्केनिक है। ओके, तो वॉल्केनिक आप लोग बता रहे हो गाइस, वॉल्केनिक जैसा तो वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कश्मीर का इलाके में वॉल्केनिक इरप्शन वो तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये होगा नहीं। एओलियन नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा ह्यूमिड रीजन भी रह गया है। फ्लूवियल इसलिए नहीं होगा क्योंकि ग्लेशियर भी वहां पे है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, लैकेस्ट्राइन जो है इस टाइप का जो डिपॉजिट है वहां पे, वो स्पेशली कारेवास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कश्मीर के जो कारेवास आते हैं वो इसी डिपॉजिट से मिलकर के बने हैं। मैम जेआरएफ कितनी बार दे सकते हैं? दीपू शर्मा ए, देखिए जेआरएफ का एग्जाम आप दे सकते हो 30 इयर्स तक, 30 साल तक की आपकी उम्र है अगर आप जनरल में हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो 35 हो जाता है। नेट अगर करना चाहते हो तो नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अगला, Which among the following is the oldest mountain range in India? निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? हिमालय, अरावली, सतपुड़ा एंड नीलगिरी। बिल्कुल, पीएचडी करते वक्त भी आप जेआरएफ दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है तो वो आपको फेलोशिप अमाउंट मिलेगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली, कहने की जरूरत ही नहीं है। अरावली कहाँ पे है? अरावली है हमारे राजस्थान में, ये देखो। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोटिंग डाउन द हिमालय इज एंटेसिडेंट वन। कौन सी नदी हिमालय से नीचे बह रही है? इट इज गंगा। यमुना एंड घाघरा। आंसर बताएं, क्या होगा करेक्ट आंसर? देखिए गाइस, आप लोगों ने गंगा आंसर काफी लोगों ने किया है। कौन सी नदी हिमालय से नीचे बह रही है? मेरे हिसाब से तो आंसर घाघरा होना चाहिए। आप लोग आंसर दे रहे हैं सतलज, तो सतलज तो निकलती ही ट्रांस हिमालय से है, सतलज तो होगा नहीं। गंगा यमुना ग्रेटर हिमालय से निकल रही है, तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दैट इज घाघरा। मैम अरावली गुजरात से दिल्ली तक है क्या? बिल्कुल, अरावली गुजरात से स्टार्ट होती है। गुजरात में एक जगह है पंचमढ़ी नहीं, पालनपुर से, गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होती है और दिल्ली की जानापाव और दिल्ली की मजनू की पहाड़ियों तक जाती है। थोड़ा दूर का रिलेशन है। तो ये लगभग 800 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये चलती है, गुजरात से स्टार्ट होती है और दिल्ली तक जाती है। बट ये है कि ये ऐसे से स्टार्ट होती है और दिल्ली तक जाती 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 बहुत बार इसके मतलब जब ये स्टार्ट होती है ना तो इसकी हाईएस्ट पीक 1712 मीटर रहती है, लेकिन दिल्ली तक जाते जाते 150 मीटर इसकी हाइट पहुंच जाती है। ठीक है जी, अगला सवाल देखते हैं। ये तो आपको क्लियर हो ही गया। नेक्स्ट है, अब रिवर से क्वेश्चन है, Which of the following is a trans Himalayan river? कौन सी ट्रांस हिमालयी नदी है? गंगा, यमुना, सतलज, रावी। मैम 16 का ए होगा। अमन, ओके अमन, आई विल चेक, थैंक यू। या मुझे भी थोड़ा डाउट था क्योंकि वो जो क्वेश्चन था ना उसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिफरेंस है। चलिए एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। इसका अपने करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सतलज। कौन सी नदी? एक ट्रांस हिमालयी नदी है, क्योंकि पूरे में अगर अपन बात करें यहाँ पे तो ये देखेंगे तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय में 4 रेंज आ रही है बेसिकली। एक रेंज आ रही है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड कैलाश। ठीक है, तो कैलाश रेंज से यहां से निकलती है एक तरफ तो चली जाती है सतलज। ठीक है, सेम कैलाश रेंज से यहां से एक रिवर, ये देखिए यहां से निकल गई सतलज। सेम कैलाश रेंज से यहां से निकल जाती है आपके सिंधु या इंडस, एंड सेम यहीं से चेंग योंगडोंग ग्लेशियर से निकल जाती है ब्रह्मपुत्र। तो कहीं ना कहीं जब ये तीनों एक ही चेन से निकल रही है तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारे ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, जबकि गंगा, यमुना और रावी, गंगा यमुना ग्रेटर हिमालय का और मिडिल हिमालय के हिस्से से निकलती हैं। ओके, हाँ जी। चलिए एक बार अपन मैं प्रीवियस क्वेश्चन पे मैं चलूँ क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक अपने सामने ये था। यहाँ पे गाइस आपको शॉर्टली आपको आंसर यहाँ पे ए करना होगा, क्योंकि जो हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन है उसमें डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे एंटीसीडेंट पूछा जा रहा है और यहाँ पे बोला जा रहा है नीचे बह रही है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सतलज। क्यों? क्योंकि सतलज एक ऐसी रिवर है, क्योंकि बिकॉज सतलज इज अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन हिमालय से पहले हुआ है, मतलब क्योंकि ये हिमालय का पार का इलाका है, इसका फॉर्मेशन हिमालय से पहले हुआ है, तो इसका जो रास्ता है वो फिक्स है। हिमालय के बनने के बाद में भी ये अपने सेम रास्ते पे चल रही है, इसने अपना रास्ता चेंज नहीं किया है, तो इस वजह से आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सतलज हो जाएगा, बिकॉज सतलज इज अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय रीजन। ओके, तो 16 का ए कर लेना, 17 का सी कर लेना, अब 18 का आंसर आप मुझे बताओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रांस हिमालय रिवर? इजी वन, अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था, गलत करोगे तो फिर देख लेना। ट्रांस हिमालयी नदियां हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सतलज, इंडस, ब्रह्मपुत्र, क्योंकि मैंने अभी बताया कि तीनों का सोर्स कैलाश रेंज है। एक सेंगे खाप से निकलती है, एक आपके चेंग योंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है, और तीनों के डायरेक्शन अलग है। एक चली जाती है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, एक चली जाती है वेस्ट की तरफ, और एक चली जाती है आपके साउथ ईस्ट की तरफ। तो ये दोनों का तीनों का ही एक था और ये आपके ट्रांस हिमालय से ये निकलती है। नेक्स्ट विच इज द लार्जेस्ट ऑफ द रिवर्स ज्वाइनिंग गंगा डायरेक्टली फ्रॉम द साउथर्न प्लेटू। दक्षिणी पठार से सीधे गंगा में शामिल होने वाली सबसे बड़ी नदियां कौन सी है? दामोदर, सोन, चंबल एंड बेतवा। गाइस जस्ट इसके बाद में 2:05 पे हमारी क्लास होने वाली है अनअकैडमी स्पेशल पे, तो आप सीधा मुझे ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा अनअकैडमी स्पेशल क्लास का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां आप इनवाइट कोड UGC 10 लगाओगे अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो, नहीं आप ऐसे सीधे वहां पहुंच सकते हो। और अनअकैडमी टेलीग्राम पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा जिस पर भी आप जुड़ के मेरे साथ में जुड़ सकते हो। एब्सोल्युटली फ्री क्लास है और यहाँ से ज्यादा मजा आएगा आपको वहां पे, तो वहां जरूर आना। इसका आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी सोन, क्योंकि ये देखेंगे हाँ जी अभी देखिए हम क्या बात कर रहे थे, हाँ रिवर की अपन बात कर रहे थे। रिवर में ये देखिए यहाँ से एक बहुत मोटी रिवर निकलती है, इस रिवर का नाम है गंगा। ठीक है, गंगा नॉर्थ इंडिया की एक बहुत ही पॉपुलर और सबसे बड़ी रिवर है। लगभग इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। यहाँ पे एमपी के अंदर से एक दूसरी रिवर निकलती है, यहाँ पे एमपी है, एमपी के अंदर अमरकंटक, अमरकंटक से मेनली 3 रिवर का फ्लो होता है। एक रिवर आपके चली जाती है नर्मदा, नर्मदा के नाम से वो चली जाती है खंबात की खाड़ी। एक आपके चली जाती है महानदी और एक रिवर जो मूव करती है वो नॉर्थवर्ड मूव करती है सोन, जो आपके बिहार के पहले आकर के गंगा में मिक्स हो जाती है। इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे कि ये जो नदी है यहाँ पे बहने वाली जो सोन नदी है वो इस पॉइंट पे आकर के मिक्स हो रही है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, इसको हम नाम दे देंगे ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पे मैं आप लोगों को 2 बातें बहुत क्लियरली बताऊंगी गाइस। एक तो आपने ट्रिब्यूटरी का नाम सुना होगा, एक आपने कॉन्सेप्ट दूसरा भी है जिसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरी, मतलब एक कहलाती है सहायक नदी, एक कहलाती है वितरणिका। अब वितरणिका क्या होती है? अगर मान लीजिए कि कोई एक मेन रिवर है, ठीक है, उसमें कोई साइड से एक रिवर आके शामिल हो रही है, ठीक है, मतलब अगर वो उसमें ऐड हो रही है तो वो उसकी ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। लेकिन अगर उस मेन रिवर से कोई एक रिवर अलग हो रही है, जैसे यहाँ पर तो ये उसमें आ रही है, ठीक है, लेकिन अगर कोई रिवर उससे अलग हो रही है तो वो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल सोन इज अ ट्रिब्यूटरी, लेकिन आगे जा करके बंगाल के पास में जो हुगली है वो गंगा से अलग हो जाती है, तो हुगली इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी। तो 2 बातें याद रखना, वितरणिका में और सहायक नदी में क्या अंतर होता है। नदी में कोई अगर मिक्स हो रही है तो वो ट्रिब्यूटरी है, लेकिन उस नदी से कोई अगर अलग जा रही है तो वो डिस्ट्रीब्यूटरी या वितरणिका है, जैसे कि हुगली इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो हुगली इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी, हुगली इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी जो उससे अलग होके जा रही है। चलिए तो ये था एक आज का नॉलेज। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following river join the river Ganga on its eastern extremity? घाघरा, गोमती, गंडक एंड कोसी। कौन सी नदी गंगा नदी के पूर्वी छोर पर मिलती है? वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी कोसी। क्यों है? क्योंकि ओवरऑल हिमालय का जब अपन डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं या हिमालय के बारे में जब अपन पढ़ते हैं, एक मिनट, मान लीजिए कि यहाँ से गंगा रिवर गई, तो ये तो हो गया ईस्टर्न पार्ट, ये हो गया वेस्टर्न पार्ट। अब गंगा में क्या होती है ना, अलग अलग उसकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, जैसे कि यहाँ से रामगंगा आ गई, फिर गोमती आ गई, फिर गंडक आ गई, फिर घाघरा आ गई, और फिर सबसे लास्ट में यहाँ पे आती है कोसी रिवर। तो स्टार्टिंग होती है रामगंगा से और एंड होती है कोसी रिवर बिहार में, क्योंकि उसके बात का कोई दे नहीं रखा। तो सबसे ईस्टर्न पार्ट में इसको यहाँ पे कोसी रिवर देखने को मिलती है। ओके नेक्स्ट, कोसी करेक्ट हो गया। अगला देखेंगे, आज इंडियन ज्योग्राफी है ज्यादा। गोदावरी हैज इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इंद्रावती, सालेरी एंड अपोली, रावीवती, प्राणहिता एंड इब। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? यस, इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोला जा रहा है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां इंद्रावती है, सलारी है, और कौन सी इंपॉर्टेंट है? तो आप लोग आंसर दे रहे हैं मैम कोली भी इंपॉर्टेंट है, प्राणहिता भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो लिब है ये तो आपकी महानदी में आती है। चलो ये तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा यहाँ पे। देखिए जी करेक्ट आंसर एक प्राणहिता, प्राणहिता इज द वेरी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन साउथ इंडिया offer economic possibility of hydroelectricity generation because the river are very fitful. The river have water throughout all season, the steep falling structure of Western Ghat and all of these. ओके इसका आंसर बताएं 22 का। क्वेश्चन मार्क भी है और आंसर भी है, ऐसा नहीं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि पहली बात तो ये कि यहाँ पे पूछा गया पश्चिमी नदियां। पश्चिमी नदियों का मतलब तो ये हो गया कि कुछ जो बातें यहाँ पे बोली गई है वो थोड़ी सी गलत जा रही है। पश्चिमी घाट को अगर आप खुद देखोगे तो ये कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर रहता है। अब पश्चिमी घाट की अगर अपन बात करें तो जो रिवर्स आना, मेनली रिवर्स, वो सारी रिवर्स तो आपके ईस्टर्न घाट में जाती है। तो ये बोलना कि यहाँ की रिवर्स बहुत भयंकर है, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, साउथ इंडिया की कोई भी नदी बारामासी नहीं है, तो यहाँ पे एक भी बारामासी नदी नहीं है। क्योंकि जो अपना वेस्टर्न घाट है वो आपकी किस कंडीशन में है? अपने वेस्टर्न घाट में थोड़ा सा क्या आया हुआ है, ढलान है। अब ढलान जहां पे ज्यादा होगा तो पानी को स्लोप मिलेगा, स्लोप मिलने की वजह से हाइड्रो पावर प्लांट ग्रोथ करेगा। तो मेन रीजन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही आपका माना जाएगा, बाकी रीजन नहीं माने जाएंगे। आपने देखा होगा द्वारिका जब भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले बसाई थी तो वो ऊपर ही थी, आज की डेट में द्वारिका पानी के अंदर है। तो कहीं ना कहीं जो पश्चिमी घाट है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ये इसका एक अच्छा जीता जागता उदाहरण देखने को मिलता है हमें। अच्छा जी, अगला सवाल। द मेन वाटरशेड ऑफ मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडियन रिवर लाइज इन द प्रायद्वीपीय भारतीय नदियों में अधिकांश का मुख्य जल क्षेत्र निम्नलिखित में से है। विंध्याचल, महादेव हिल, राजमहल हिल्स, राजमहल। राजमहल एंड वेस्टर्न घाट एंड महादेव। ऑब्वियसली करेक्ट आंसर। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से अधिकांश का मुख्य जल क्षेत्र निम्नलिखित में से है। विंध्याचल, महादेव, वेस्टर्न घाट। डी इज द राइट आंसर। अधिकांश जल क्षेत्र, तो जो नदियां हैं चाहे वो कावेरी हो, कावेरी अरेबियन सी से सिर्फ 53 किलोमीटर की दूरी पे निकलती है, लेकिन यहाँ जाने की बजाय घूम के फिर से ईस्टर्न घाट में आ जाती है। यहाँ पे आप देख लो, चाहे नर्मदा और तापी को छोड़ दो, आपकी गोदावरी नदी हो गई, कृष्णा नदी हो गई, महानदी हो गई और उनकी सारी ट्रिब्यूटरीज हो गई, ये सब आपको देखने को मिलेगी ईस्टर्न घाट में, जबकि ये निकलती कहाँ से है? वेस्टर्न घाट से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डेटा नॉट राइज इन वेस्टर्न घाट? Which of the following river does not rise in Western Ghat? Periyar, Sharavati, Mahanadi and Godavari. शालिनी जी का एक क्वेश्चन है, मैम एक क्वेश्चन है, नॉर्थ में रिवर का उद्गम ग्लेशियर से होने का कारण है, बट साउथ में वेस्टर्न घाट से नदियों का उद्गम का क्या रीजन है? मैं आपको ये रीजन अभी जस्ट डिफाइन करती हूँ, एक बार आप मुझे इसका आंसर बता दो पहले, फिर यस आपके क्वेश्चन पे मैं आती हूँ। आप 24 का आंसर मुझे बता दो, फिर मैं आपके क्वेश्चन पे आ रही हूँ। सबसे पहले भारत में पश्चिमी घाट में नहीं आती है तो वो होगी आपकी महानदी। क्यों? क्योंकि महानदी का जो उद्गम है वो बीच में विंध्याचल में अमरकंटक प्लेटू से है, जो उड़ीसा के अंदर फ्लो करती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गोदावरी, शारावती, पेरियार ये सब एक ही के हैं। अब मुझसे एक सवाल पूछा गया था जिसका मैं आंसर दे देती हूँ कि अपने इंडिया के अंदर जो नॉर्थ पार्ट है, नॉर्थ पार्ट में हिमालय माउंटेन है, इस वजह से वहाँ पे रिवर्स आती है, ये बात बिल्कुल समझने वाली है। लेकिन साउथ पार्ट में ऐसा क्या है जहाँ से रिवर्स आती है? तो देखिए डिफरेंस आप ही के सामने होगा और अभी आप बिल्कुल अच्छे से उसको क्लियर कर लोगे। एक बार मेरा मैप बना लूंगा। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो कि मान लीजिए कि जो नॉर्थन पार्ट की रिवर्स है वहां पे सोर्स क्या है, नॉर्थ पार्ट की रिवर का सोर्स क्या है? लाइक एक अपन बात करते हैं नॉर्थ, एक बात करते हैं साउथ। ठीक है, नॉर्थ पार्ट में जो रिवर का सोर्स है वो है ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर से क्या होता है? मेल्ट होता है पानी। ठीक है, पानी मेल्ट हुआ, मेल्ट बन करके वो रिवर बना, और रिवर भी कैसे बनी है? 12 महीने वाली रिवर बन रही है। लेकिन यहाँ पे साउथ में क्या रीजन है? साउथ में एक रीजन ये है, साउथ के अंदर आपने देखा होगा कि कंप्लीटली यहाँ पे एक माउंटेन रेंज मिलती है साउथ में, उस माउंटेन रेंज का नाम है सहयाद्री, सहयाद्री की पहाड़ियां। इंडिया के अंदर जब मानसून आता है साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून से सबसे पहले बारिश केरल रहता है, फिर उसके बाद में आपके वेस्टर्न घाट पे बारिश होती है। और आपने देखा होगा कि मुंबई ये जो वेस्टर्न घाट की जगह है यहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है या ज्यादातर बारिश होती है। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि वहां पे माउंटेन रेंज है, तो बारिश का जो पानी होता है वो कुछ नहीं होता है, माउंटेन रेंज के अंदर इकट्ठा हो जाता है। और आपने देखा होगा कि हमेशा जब भी कोई नदी निकलती है पेनिनसुलर के अंदर तो वो पहाड़ियों से निकलती है, पहाड़ों से निकलती है। तो वहां पे पहाड़ों से नदी निकलने का मतलब यही होता है कि बारिश का पानी उन पहाड़ों के अंदर इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे वो पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर वहां से वो रिवर बन करके अलग अलग अपनी अपनी स्ट्रीम्स में बह जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि ये जो नदियां हैं बारहमासी नहीं है। क्यों? बारिश के मौसम में ये ज्यादा एक्टिव होती है इस वजह से, क्योंकि नदियों में पानी बारिश के मौसम में आ जाता है, पहाड़ों में पानी आ जाता है, पानी और पहाड़ों में आया हुआ पानी ही इनकी रिवर का सोर्स होता है। ग्लेशियर क्योंकि पूरे साल रहते हैं तो इस वजह से वहां पर पूरे साल बारिश रहती है। ढाल की क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, ये था कि क्यों उद्गम नदियों का कैसे हो रहा है। तो नदियों का उद्गम यहाँ पे पहाड़ों से हो रहा है और पहाड़ क्या कर रहे हैं, मानसून की बारिश को इकट्ठा कर रहे हैं। पहाड़ों में जो नदी का पानी इकट्ठा होता है वही नदी, पहाड़ों में जो बारिश का पानी इकट्ठा होता है वही नदी बन करके बहता है। जब बारिश का सीजन चला जाता है तो बचा हुआ पानी काम में रहता है और गर्मियों के अंदर ये नदियां सूख भी जाती है, और जब बारिश आती है तो फिर से पहाड़ों में पानी इकट्ठा होता है और वो नदी बन करके बाहर आ जाता है। तो ये एक बेसिक रीजन था यहाँ पर। आई होप कि शालिनी आपका क्वेश्चन क्लियर है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, द रिवर वैली विद द लीस्ट ग्रेडियंट ऑफ स्लोप इज, ढलान की सबसे कम ढाल वाली नदी घाटी है। इंडस वैली, गंगा वैली, ब्रह्मपुत्र वैली एंड तापी वैली। Yes, monsoon is the main reason. Rainfall is the main reason. Not monsoon, rainfall is the main reason. The river valley is the largest gradient of slope is the least gradient slope. Indus, Ganga, Brahmaputra and Tapti. Correct answer is option number D, तापी, because तापी is a tributary of ब्रह्मपुत्र वैली। तो देखो इंडस और ब्रह्मपुत्र ट्रांस हिमालय का हिस्सा है तो इनका ग्रेडियंट तो हाई है क्योंकि बहुत ऊंचाई से निकल रही है, और गंगा भी कहाँ से निकल रही है, काफी ऊंचाई से निकल रही है। लाइक ये तीनों ही नदियां ऐसी है जो 7000 प्लस की ऊंचाई से, 7000 प्लस मीटर की ऊंचाई से निकल रही है, तो इनका ग्रेडियंट तो हाई होना ही है। ताप्ती वैली का ग्रेडियंट हाई इसलिए नहीं है क्योंकि ये नीचे आकर के ब्रह्मपुत्र से निकल रही है, तो कंपेरेटिवली जो ढाल है सबसे कम ताप्ती का है। So the correct answer is option number D. Okay? चलिए तो अब आप लोगों को अगर मेरे साथ में और क्वेश्चंस करने हैं और इस क्वेश्चन आज के पेपर का भी पीडीएफ अगर चाहिए तो अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में आप मेरे साथ में जुड़ सकते हो। अनअकैडमी की स्पेशल क्लास मैं अभी लेने जा रही हूँ 2 मिनट के अंदर अंदर। 2 बजे स्टार्ट होना था बट 5 मिनट अपन ऊपर हो गए यहाँ पे, तो 2 बजे मैं लेने जा रही हूँ। कहाँ से ज्वाइन करोगे? 2 रास्ते हैं, एक टेलीग्राम से ज्वाइन कर लो, दूसरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम को कैसे ज्वाइन करोगे तो उसके लिए मैम टेलीग्राम आईडी भी बताओ। टेलीग्राम आईडी है अनअकैडमी UGC Net इंग्लिश। टेलीग्राम पे जाओ, सर्च बार में जा करके अनअकैडमी UGC Net इंग्लिश सर्च करो, हम मिल जाएंगे। वहां पे मैं इस क्लास का लिंक पोस्ट कर रही हूँ, सीधा जुड़ो। बग्स बाउंड्री आपके लिए ओपन है, लगे कि कोई प्रॉब्लम है तो बग्स बाउंड्री पे कंप्लेन करो। स्पेशल क्लास में आओ क्योंकि वहाँ पे पोल में मैं टेस्ट करूंगी आप लोगों को। यहाँ तो सबने एक दूसरे का देख के आंसर कर दिया, वहां पता चलेगा कि कौन कितना पानी में है। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए। आई होप कि सभी के डाउट्स को हमने क्लियर किया होगा, और आप एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो अगर अच्छा लगा है तो। और कल आप लोगों से फिर से मैं 1 बजे मिलूंगी, 1 PM पे कल अपनी फिर से क्लास होगी। और अभी मैं आप लोगों से वहां पे एनवायरमेंट के क्वेश्चन करने वाली हूँ, तो जो भी इंटरेस्टेड है एनवायरमेंट के क्वेश्चन करने के लिए आ जाओ। चले गाइस, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सभी को टाटा, टेक केयर, बाय बाय। है।